भगवान तो कहते मेरी ओर बढ़ो, ना मार्ग सरल कर दे तू कहना महाराज जीव बढ़ता क्यों नहीं है जानते हैं? हम कोई अलग से कथा नहीं सुना रहे, श्री रामचरितमानस जीवे 141 से 151 52 दोहे तक बालकांड में ये प्रसंग है। अनेक बार हम लोग पढ़ते हैं, होठे से पढ़ते हैं, होठे से समाप्त हो जाता है, बात बैठती नहीं है। जब इसको होठ से पढ़कर हृदय तक लाएंगे तो इसका प्रकाश जीवन को प्रकाशित करता जाएगा। मनोजी क्या चाहते हैं? भगवान शिव के मन में, भुसुंडी जी के मन में, मुनियों के मन में, अतो कौन स्वरूप? शिव जी के इष्ट कौन है? बंदम बाल रूप सोई सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुना। भुसुंडी बाबा, इष्ट देव मम बालक कौन? बालक रामा। शोभा बपुष कोटि सतकाम, करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित कर दे ऐसी भगवान की दिव्य 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 मंगल मूर्ति, ऐसी आभा। करोड़ों करोड़ों सूर्य में जो प्रकाश नहीं, वो परमात्मा के दिव्य दिव्य स्वरूप में है। मुनि लोग इसी स्वरूप का ध्यान में भाव लेकर और भगवान में रम जाते हैं। देखो इधर जो रमेंगे तो प्रपंच से विरत हो जाएंगे, प्रपंच में मन नहीं लगेगा। ये रस ऐसा है, एक बार आ गया दूसरा। मनु जी की बात, दंपति बचन परम प्रिय दंपति अमृत के दिव्य रस में परिपूरित भगवान ने सुना हे मरस भगत वचन प्रभु Yeah.
पाम्बाम मनु जी की वाणी प्रियता से परिपुष्ट, मधुरता से परिपुष्ट, विनयता से परिपुष्ट और हृदय में जो प्रेम था उस रस से सिक्त वाणी वाणी के बोलने के स्थल हैं। कहाँ कहाँ? होठ से, कंठ से, हृदय से, नाभि से। वाक्य बता रहा है कहाँ से बोला गया है। वाणी से बोलता है, कंठ से बोलता है, हृदय से बोलता कि नाभि से बोलता है। नाद ब्रह्म के साधक जो गायक लोग हैं ना, वो नाभि से गान करते, कंठ से कोई संबंध नहीं। उतना ही खींचना पड़ता है, वो नाद ब्रह्म की साधना है उनकी, बड़ा कठिन है, सरल नहीं। जो लोग गाते हैं उस भाव में धरती से ऊपर तक पहुंचा देते हैं।